Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to your new class and I am your science teacher Miss Naima Khan and our today's chapter name is Introduction to Science. Aaj hum jo chapter discuss kar rahe hain uska naam hai Introduction to Science aur is chapter mein hum topic discuss karenge science and its branches, yani science और की क्या definition है और उसकी कौन कौन सी branches हैं, ये आज के lecture में हम आपके साथ discuss करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि science क्या है, science की definition actually क्या है। तो जो science का word है, science का जो word है वो actually Latin word है और लैटिन वर्ड में साइंटिया एक वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं नॉलेज। तो साइंस क्या है, साइंस के मीनिंग क्या है, साइंस के मीनिंग है नॉलेज। अब किस तरह की नॉलेज और किस चीज की नॉलेज, देखिए हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें मौजूद है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इसके नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, तो इन सब की जो स्टडी करते हैं वो हम साइंस के अंदर करते हैं। इन सब की नॉलेज का जो नाम है वो है साइंस। अच्छा, ये नॉलेज जो है वो दूसरी नॉलेज से डिफरेंट है, जैसे आप उर्दू में भी नॉलेज गेन करते हैं, इस्लामियात में भी नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन साइंस की जो नॉलेज है वो बेस करती है दो प्रोसेसेस पर। कौन से दो प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंस की नॉलेज है वो किन दो प्रोसेस पे बेस करती है, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर। अब ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं साइंस में और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, देखिए जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हैं, किसी चीज के मुतालिक जानना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जाहिर है आप उसके मुतालिक सोचते हैं, उसको गौर करते हैं, उसके लिए आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर तलाश करते हैं, ठीक है। तो उन आंसर्स के लिए आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के लिए हम उसके अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चीजों को हम जो है टच करके फील कर सकते हैं, उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम टेस्ट करके जो है वो जान सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए नॉलेज गेन करें वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट क्या है, अब कुछ नॉलेज ऐसी होती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलता, यानी सिर्फ हम देखकर उसको स्मेल करके या टेस्ट करके उसको जो है फील नहीं कर सकते, उसकी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर और उन टेस्ट के जरिए से उन चीजों को जानते हैं। तो लेबोरेटरी में हम जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए किसी चीज की नॉलेज गेन करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सपेरिमेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है और इससे हम किस तरह से नॉलेज गेन करते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा कि साइंस जो है वो अपने अराउंड की चीजों को जानना है और हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, तो इन सब को हम स्टडी अगर एक साथ करना चाहें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप एक साथ फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर स्कूल में आप तमाम सब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से आप
अपने अराउंड को जानना, नेचर को जानना, उसको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट ने साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस बना दिए। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ तीन मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी, सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री और थर्ड ब्रांच है फिजिक्स। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने साइंस को स्टडी करने के लिए, नेचर को स्टडी करने के लिए साइंस की ब्रांचेस बना दी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तीन ब्रांचेस आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं। इट मींस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो अगर हम एक साथ इनको स्टडी करेंगे तो ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो साइंटिस्ट ने जो है बायोलॉजी के लिए ब्रांचेस बना दी है। बायोलॉजी को भी हम जो है दो ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। एक कहलाती है बॉटनी और दूसरी कहलाती है जूलॉजी। बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बायोलॉजी में जब एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं जूलॉजी, और जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं बॉटनी। अच्छा, क्या स्टडी करते हैं प्लांट्स का या एनिमल्स में, हम क्या चीज स्टडी करते हैं? उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, अपने हैबिटेट के अंदर किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या किस तरह से एनिमल्स अपना फूड लेते हैं, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, या उनके अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी स्टडी हम इन दोनों प्रोसेस के अंदर करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स के आपके समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड ब्रांच केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर को स्टडी करते हैं। अब मैटर में हम क्या स्टडी करते हैं और मैटर क्या होता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं मैटर के मुताबिक। एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज जिसका कोई वेट होता है या जिसको जगह चाहिए होती है वो मैटर कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैटर में आप यहाँ क्या चीज डिस्कस करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? मैटर की हम कंपोजिशन को, मैटर के स्ट्रक्चर को,
ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं और मैटर की क्या चीज स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं वॉटर की। और
एनर्जी को और उनके आपस के रिलेशन को। स्टूडेंट आई होप कि आपकी समझ में साइंस और उसकी ब्रांचेस आ गई होंगी। इसको हम एक दफा शॉर्ट रिव्यू दोबारा से ले लेते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस होती है नॉलेज जो किस पे बेस करती है, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर। फिर हमने डिस्कस किया कि साइंस जो है उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। तीन ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी। प्लांट्स की स्टडी हम करते हैं बॉटनी के अंदर और जूलॉजी में हम करते हैं एनिमल्स की स्टडी। फिर केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की स्टडी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मैटर की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। फिर फिजिक्स का आते हैं तो फिजिक्स में भी हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके आपस के रिलेशन को स्टडी करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपकी समझ में तमाम ब्रांचेस और साइंस की डेफिनेशन आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा से आपके साथ मिलेंगे और दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।